अब क्योंकि कॉफ़ी केक बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। उसके लिए मैंने लिया ग्लास, उसमें डाला गर्म पानी, 3/4 कप है ये गर्म पानी। इसमें डाले 2 चम्मच कॉफ़ी के, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना, मिला के साइड रख देना। फिर मैंने लिया दूसरा बर्तन, इसमें डाला 3/4 कप पिसी हुई चीनी और 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो बटर या घी भी डाल सकते हैं, बटर से जो केक होता है वो डेंस बनता है और ऑयल से मॉइस्ट बनता है। इस सब को मिला के फिर मैंने इसमें डाला 1/2 कप दही और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने डाला है 1.5 कप मैदा के और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये दोनों ना हो तो 1 या 2 सैशे यानी पैकेट इनो के डाल लेना। फिर इसको मिक्स करा। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला, हमने जो कॉफ़ी बनाई थी ना ब्लैक कॉफ़ी, वो डाल दी। थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जाओ और मिलाते जाओ, एक स्मूथ बैटर बना लेना। अब क्योंकि मैं पहले वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, वो मैंने अभी डाला। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हो या मेरी तरह बाद भी डाल सकते हो। इसको भी मिला के अब ये जो बैटर है वो बेकिंग टिन या बेकिंग ट्रे, जो भी जिसमें भी बेक करना है, मैंने तो अपना टिफ़िन यूज़ किया है। डस्ट करने से जो केक होता है वो इससे चिपकेगा नहीं, बर्तन से आसानी से निकल जाएगा। अब इसको बेक करना है 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे, कढ़ाई, प्रेशर कुकर, किसी चीज़ में भी जो आपका दिल करे। बेक करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। मेरा इसलिए फट गया क्योंकि मेरे को बहुत चुल मची थी, मैंने 10 बार उसको खोल खोल के देखा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना वरना मेरा जैसा हाल हो जाएगा। हाँ, तो अब बनाना है कैरमल सॉस, जिसके लिए मैंने ली 2 चम्मच चीनी और उसको मेल्ट कर लिया। फ्लेम कम रहनी चाहिए वरना जल जाएगा, और ध्यान से हाथ पे नहीं चिपकनी चाहिए चीनी वरना फिर से खाल उखड़ जाएगी, मेरी बहुत बार उखड़ चुकी है। जब वो चीनी मेल्ट हो जाए तो मैंने डाला इसमें 1 टेबल स्पून बटर, इसको भी मेल्ट कर लिया। और फिर मैंने डाला इसमें 4 बड़ा चम्मच या फिर बोल लो 1/2 कप मिल्क का, आप क्रीम भी डाल सकते हो तो, पर मैंने मिल्क से बनाई है। इसको फिर मैंने पकाया उबाला और इतना गाढ़ा कर लिया। फिर इसको वापस से केक पे लगा दिया। मैं स्टाइल मारना चाह रही थी यहाँ पे, जो कि मुझसे हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने इसको पूरा फैला दिया। आपसे अगर ये हो तो ऐसे डाल लेना या फिर मेरी तरह पोत लेना हर तरफ। खाना था इसलिए मैंने डिज़ाइन पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर डालना नट्स, काजू, किशमिश या फिर बादाम, और फिर क्या है, खा लेना। और करने क्या है, रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो वीडियो बनाते ही खा लिया। भुक्कड़ देख रहे हो।